स्टूडेंट्स, तो फाइनली रेसिस्टेंस की पूरी कहानी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, बोर्ड एग्जाम क्लास टेंथ। तो साइंस में इलेक्ट्रिसिटी हमने पहले वीडियो डाले थे, लेकिन बीच में कुछ वजह से जो है पॉज सा आ गया था, और उसके बाद हमने सोचा कि रेसिस्टेंस की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टिविटी, ये जो पॉइंट्स देखे हुए इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम रेसिस्टेंस के फैक्टर्स को भी देखेंगे और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे रेसिस्टेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस की डेफिनेशन ऐसी है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है जो किसी भी वायर में हो सकती है, किसी भी कंडक्टर में हो सकती है। किसी में ज्यादा होगी रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी तो किसी में कम होगी। अगर किसी कंडक्टर में, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, उसमें अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें करंट का अमाउंट जो है वो कम होगा, मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। करंट को ज्यादा अपोज मिलेगा, ज्यादा करंट को रेसिस्टेंस मिलेगा, फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेसिस्टेंस की SI यूनिट जो होती है, जनरली रेसिस्टेंस की SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट उसकी क्या है? SI यूनिट इज व्हाट? ओम। ठीक है, OHM, क्योंकि ओम्स लॉ में पढ़ा था तो उसी के नाम पे, उन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है ओम, और उसका ओमेगा एक सिंबल होता है। ठीक है, तो कहीं पर अगर लिखा हो कि 5 ओम 10 ओम, ठीक है, इस तरह से 5 ओम 10 ओम, तो समझ लीजिए किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। ओके, और रेसिस्टेंस की यूनिट तो आपने समझ लिया ओम। अब रेसिस्टर क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पीयर का, और आप चाह रहे हो कि यार करंट कम फ्लो हो, तो जाहिर सी बात आप चाहोगे कि सेम वायर में अगर मैं रेसिस्टेंस बढ़ा दूँ तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आप रेसिस्टेंस बढ़ाने की वजह से आप सोचते हो कि ऐसा डिवाइस मिले जिससे रेसिस्टेंस को बढ़ाया जा सके उसी कंडक्टर के अंदर। तो जो आप डिवाइस लेके आओगे उस डिवाइस का नाम रहेगा रेसिस्टर। तो रेसिस्टर एक डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में लगा करके उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है और जिससे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो व्हाट इज रेसिस्टर? रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड द रेसिस्टेंस टू अ कंडक्टर या टू अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। रेसिस्टर एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में, कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी करंट की वैल्यू को कम करने की कोशिश करिए, कम करता है। तो ये डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिखते जाए, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ ना उसको आप थोड़ा सा रिपीट करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो। और रेसिस्टर जो का जो सिंबल है, अगर मैं सिंबल की बात करूँ, रेसिस्टर का सिंबल है ये इस तरह से, रेसिस्टर का सिंबल कुछ होगा, दिस इज द सिंबल फॉर रेसिस्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रियोस्टेट क्या है फिर? तो हमें पता चला कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और हम उसमें अपने हिसाब से जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो मैं अपने हिसाब से 1.2 या 1.5 इस तरह की वैल्यूज को हम सेट करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक रेसिस्टेंस आती है, एक रेसिस्टर आता है, नॉर्मल एक डिवाइस आता है जिसमें अपने हिसाब से हम वेरी कर सकते हैं रेसिस्टेंस को। तो इसीलिए इस डिवाइस का नाम पड़ गया है रियोस्टेट, और इसको हम वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक तरह की वेरिएबल रेसिस्टेंस, हम देख सकते हैं इट इज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो पेपर में अगर आता है कि रियोस्टेट क्या है, आप लिख सकते हो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रियोस्टेट का सिंबल जो है वो इस तरह से होगा, रियोस्टेट का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। आप देख लीजिएगा कि ये ऐसा रेसिस्टर का सिंबल बना के ऐसे एरो लगा दीजिए। ठीक है, ये रियोस्टेट का सिंबल, या इसका एक और सिंबल है, कभी कभी बुक में सॉरी पेपर में पूछ लिया जाता है इस तरह से एक सिंबल, फिर से रेसिस्टर का सिंबल और ऐसे ऐसा एक एरो इधर से डाउनवर्ड एरो दिखाया जाता है। तो ये दोनों सिंबल किसका है? रियोस्टेट का सिंबल। आई होप आपको रियोस्टेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेसिस्टिविटी पे आते हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी से पहले एक बात हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंडक्टर ज़्यादा बेटर है, कॉपर या आयरन, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, हम जिसकी वायर अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो कॉपर की अगर कंडक्टिविटी अच्छी है, अगर कॉपर अच्छा कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, राइट? लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दो वायर दिए, एक वायर है कॉपर की ही वायर है जिसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर है, और एक आयरन की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो रेसिस्टेंस पता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस वेरी कर, अगर थिकनेस दोनों की सेम है तो रेसिस्टेंस वेरी कर जाएगा। रेसिस्टेंस इस बार कॉपर वायर की ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए बिकॉज उसकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो सर पहले कैसे पता चला होगा कि कॉपर की रेसिस्टेंस एक्चुअली में कम होती है, आयरन की ज़्यादा होती है, तो कैसे पता किया हो गया होगा पहली बार? तो ऐसा है कि सारे वायर, दो चार वायर को, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, इन वायर्स को हम क्या करेंगे, सेम थिकनेस और सेम लेंथ को कट कर लेंगे वायर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर की इसकी लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो, थिकनेस हो। ये तो 1 सेंटीमीटर मीटर समझने के लिए आप यूज कर सकते हो यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट मतलब होता है 1, तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की हमने 4 वायर ले लिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल सबकी थिकनेस सेम, सबकी लेंथ सेम, और हमने चारों की रेसिस्टेंस पता की, चारों की लेंथ कितनी है यूनिट, चारों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है यूनिट, और अब हमने चारों की क्या की, पता की रेसिस्टेंस पता की।
तो जो चारों की रेसिस्टेंस पता होगी वही उसकी एक्चुअल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। और उसको पता है रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब उसको हम एक नाम दे देंगे स्पेशल, बिकॉज वो एक पैरामीटर है, एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की रेसिस्टेंस हमने निकाल रखा है, राइट। तो उस रेसिस्टेंस का नाम पड़ जाएगा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी है क्या, इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज अ रेसिस्टेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस या इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ऐसे कंडक्टर की रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर की रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ यूनिट है, हो सकता है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह की रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी नाम देते हैं। रेसिस्टिविटी का जनरली जो सिंबल होता है बच्चों, सिंबल होता है रो, ठीक है, इसको इस तरह से रो, ठीक है, इसे दिखाते हैं, RHO होता है एक्चुअली, और रो का जो जो इसको स्पेल करेंगे RHO। और रेसिस्टिविटी जनरली इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें, पेपर में इसकी SI यूनिट पूछी जाती है कभी कभी, तो रेसिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। इसकी SI यूनिट हम निकाल भी सकते हैं, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है, RA/L होता है। तो रेसिस्टेंस का ये अभी फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा आगे अभी कुछ देर बाद। रेसिस्टेंस जो है हमारा, रेसिस्टेंस का जो इस रेसिस्टेंस की साइन क्या है, ओम है। तो इसके बदले में ओम डाल दिया। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से एक मीटर गया तो यहाँ से आता है ओम मीटर। देखो आप रेसिस्टिविटी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया रेसिस्टिविटी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ याद रखोगे रेसिस्टिविटी की साइन क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा चार ऐसे टर्म्स जो आर से स्टार्ट, और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में किसके बारे में क्या लिखना पता नहीं चला। तो आप एक मैं पूछता हूँ और आप एक बार में बताना, बस एक छोटा सा सबके बारे में एक वर्ड याद रखो। जैसे रेसिस्टेंस पूछूं तो आप प्रॉपर्टी, सर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। रियोस्टेट पूछूं, सर रेसिस्टर पूछूं तो ये डिवाइस है सर जो प्रोवाइड करती है रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी पूछूं तो एक तरह की रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस है जो कि यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर की होती है। रियोस्टेट पूछ लो तो रियोस्टेट क्या है, इट इज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो शॉर्टकट में सबको याद रखो, सर की पेपर में पता क्या, जैसे मान लो रियोस्टेट अगर स्टार्टिंग का ही नहीं पता लिखना क्या है, तो एटलीस्ट सबके बारे में एक वर्ड तो याद रखो, रेसिस्टेंस आया तो स्टार्ट यहाँ से कर देंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, रियोस्टेट आया तो लिख देंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टर आया तो डिवाइस विच प्रोवाइड द रेसिस्टेंस। तो स्टार्टिंग लेटर तो कम से कम याद रहना चाहिए कि है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन चारों टर्म्स को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो चार फैक्टर है, वैसे तो चार फैक्टर है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। तो हेडिंग डालेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, चार फैक्टर है वैसे कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस डिपेंड्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं डायरेक्ट सिंबल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है फैक्टर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और तीसरा क्या है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। एंड चौथा क्या है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, मतलब मटीरियल चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो कॉपर की रेसिस्टेंस अलग होती है, आयरन की अलग होती है, एल्युमिनियम की अलग होती है, तो अलग अलग मटीरियल की रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगी। अगर इनका मतलब समझो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज इंक्रीज करेगी दूसरी चीज इंक्रीज करेगी। जैसे लेंथ बढ़ाओगे, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। 1 मीटर के वायर और 2 मीटर के वायर में किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 2 मीटर के वायर की रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, उसका लेंथ ज्यादा है, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन से अगर हम कंपेयर करें, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बेटा थिकनेस, कि मतलब जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया है ना, ये जो सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है जनरली इसको थिकनेस भी बोलते हैं, तो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, मतलब जितनी मोटी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, मतलब करंट अच्छा फ्लो करेगा, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट को ओम्स लॉ के हिसाब से आपने देखा था, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू होता था आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आई और आर में उल्टा रिलेशन है, आर कम है तो करंट ज्यादा है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी ऑब्वियसली, और रुकावट ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन है, कि जितनी ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मोटी वायर होगी, थिक वायर होगी, उतनी रेसिस्टेंस कम होगी, यानी रेसिस्टेंस कम तो करंट अच्छा फ्लो करेगा इसके हिसाब से, राइट। अच्छा, अगर पतली वायर होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो जनरली आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। इसलिए देखना गलियों में जो मोटे मोटे वायर लगे होते हैं, जो मेन वायर्स होते हैं,
क्योंकि उसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसका थिकनेस ज्यादा करके उसके रेजिस्टेंस को कम किया जाता है जिससे करंट अच्छा फ्लो कर सके। अब तीसरा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वायर को गर्म करोगे तो ऑब्वियसली उसमें करंट को फ्लो होने में परेशानी होगी, मतलब वायर गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और जिससे करंट में करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है, मतलब करंट की वैल्यू जो है करंट का जो फ्लो रेट है वो घट जाता है। आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, आर नेचर ऑफ मटीरियल पर भी डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया आपको कॉपर की रेजिस्टेंस अलग होगी तो एल्यूमिनियम की अलग, आयरन की अलग होगी, तो ये चारों फैक्टर्स हैं। अब इन चारों फैक्टर्स में से इन दो को मिला के अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, ऐसे जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से, R proportionality sign, ऊपर L नीचे A, क्योंकि L directly proportional है और A जो है वो inversely proportional है, ठीक है। अच्छा अब proportionality sign हटता तो equal का sign आता और एक constant आएगा rho, एक constant आएगा rho, rho वही है nature of material जो fix होता है किसी भी material के लिए, तो rho L upon में A, ठीक है। तो यहाँ से एक formula बन गया R का अपना rho L upon में, यही से एक formula rho का अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, rho का formula R A और नीचे L चला जाएगा, R A upon में L, ठीक है। अभी मैंने जो लिखा था थोड़ी देर पहले, तो ये रेसिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला बन गया और ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर लेंथ जो है वो डबल हो गया, लेंथ क्या हो गया, लेंथ डबल हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधी हो गई, मतलब हाफ हो गया, तो बताइए रेसिस्टेंस की न्यू रेसिस्टेंस यानी आर डैश पे क्या फर्क पड़ेगा, आर डैश न्यू रेसिस्टेंस का क्या होगा। तो देखो अगर लेंथ डबल हो गया है तो इसका मतलब अगर पहले L था तो अब कितना हो गया 2L, पहले A था अब एरिया आधी हो गई मतलब अब A by 2 हो गई, ठीक है। तो पहले R क्या हुआ करता था, जब L L था और A A था तो R क्या था, रो L अपॉन A, जाहिर सी बात है कोई चेंज ही नहीं है तो रो L अपॉन A। लेकिन अगर L को 2L कर दूं, यानी इसी में L को 2L और A को A by 2 कर दूं, तो R तो न्यू हो जाएगा ना, नया R बनेगा, वो न्यू R की अलग वैल्यू आएगी, इसको हम R डैश ले लेते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू रो L की वैल्यू क्या डाल दूँ, क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया 2L डालने के लिए डबल, तो हमने 2L कर दिया, ठीक है। और A की वैल्यू क्या डालनी है, A की जगह पर डालना A by 2, तो हमने क्या कर दिया, इसको A by 2 कर दिया। अच्छा जो सबसे नीचे वो कहा जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा रो इनटू में 4L अपॉन में A, ठीक है। ये क्या आ गया, R डैश आ गया, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लो, 4 को बाहर निकालो तो ये आ गया R डैश बराबर 4 रो L अपॉन में A। आप बताइए कि ये R की वैल्यू क्या थी, रो L अपॉन में A, मतलब रो एल अपॉन में ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं, आर डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड आर, पुराना आर कितना था, आर था, रेजिस्टेंस तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ, मतलब अगर हम लेंथ को डबल करेंगे एरिया आधी करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, पुराने रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स। अगर पुराना रेजिस्टेंस होता फॉर एग्जांपल 10 ओम तो अब कितना हो जाता, 40 ओम हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अलग होता है और पैरेलल में अलग होंगे, ठीक है। दोनों का प्रूफ है एक्चुअली, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ भी करवा के एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ और फिर आते हैं हम लोग इस पर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के लिए जो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि देखो दो रेसिस्टर्स हैं वो ऐसे लगे हैं एक दूसरे से, एंड टू एंड कनेक्टेड है दोनों रेसिस्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। तो बताइए कि टोटल आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है टोटल, आर टोटल की वैल्यू क्या होगी। एक सर्किट है जिसमें दो रेसिस्टर ऐसे लगे हुए हैं तो इसमें आर टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आर टोटल निकालने का एक फॉर्मूला है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको फॉर एग्जांपल आप आर वन मान लो, इसको आर टू मान लो, तीसरा लगाओ तो आर थ्री मान लेते। तो टोटल फॉर्मूला है इसका टोटल निकालने का, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट जहां तक हो जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए सर्किट कुछ इस तरह से बन के आ जाए और आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले यही सर्किट सेम 5 और 10 ओम का ले लेता हूँ, मैं सेम ले लेता हूँ ताकि एक डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, 5 ओम और 10 ओम। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, ठीक है। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम ए और इसका नाम रखते हैं बी, ए बी के बीच टोटल चाहिए, यहाँ भी ए और यहाँ भी बी। तो अगर इस फॉर्मूले, अगर यहाँ के फॉर्मूले की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सारे फॉर्मूले का रेसिप्रोकल, तो आर इक्विवेलेंट के बदले में 1 बाय आर इक्विवेलेंट करो, ठीक है। अच्छा आर वन के बदले में क्या करेंगे, आर वन के बदले 1 बाय आर वन इज इक्वल टू 1 बाय आर टू प्लस डॉट डॉट, मतलब इस तरह से आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं।
अब जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए यहाँ से अगर टोटल आर निकाले इस फॉर्मूले की मदद से, तो आर इक्विवेलेंट आएगा आर वन प्लस में आर टू, यानी आर वन कितना है 5 ओम और प्लस में आर टू है 10, यानी 10 और 5 15 ओम। ठीक है, आप जरा इसका निकाल के बताएंगे सब लोग। आप कैलकुलेट करके जल्दी से काम करिएगा, वीडियो पॉज करके कमेंट करें कि कमेंट करके बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल आर पैरेलल में। कर लिया, चलिए अब देखिए जरा ध्यान से। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 2 2 1 2 प्लस 10 1 10 होता है, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब 10 आएगा, तो 1 का ऊपर से करो तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 1 बाई 10। अब 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो आया बच्चों वो आया 3 बाई 10। अब देखो क्या ये आंसर है, नहीं, अब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल करेंगे, तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस बात है 10 बाई कितना आ जाएगा 3 ओम, मतलब अगर पॉइंट में लाना चाहे तो 3.33 इस तरह से ओम में आंसर आएगा। अब आप बताइए कि सेम आर वन आर टू की वैल्यू तो सेम थी, उसमें भी सेम है, लेकिन ज्यादा रेसिस्टेंस किस में आया, जब सीरीज में कनेक्ट किया तब आया, जब पैरेलल में किया तब गया, दबाया दोनों रेसिस्टर्स को। ऑब्वियसली ज्यादा रेसिस्टेंस तब आया जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब अगर दो रेसिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसी दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू सीरीज वाले में आएगी, पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, कम। तो आप बताइए घर में इलेक्ट्रिक जो हम अप्लायंसेस लगाते हैं, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जो लगाते हैं, ये सब पैरेलल में लगाया गया होगा या सीरीज में लगाया गया होगा, अंदाजा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए प्लीज सभी लोग। एग्जैक्टली पैरेलल में लगाया गया होगा ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन वगैरह हम लगा देंगे तो करंट रेसिस्टेंस की वैल्यू पूरे घर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हर अप्लायंसेज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जब हम उसको सीरीज में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो घर में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए हम घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, ताकि पैरेलल लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम आएगी और करंट अच्छा फ्लो करेगा आपके घर के अंदर, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ही घर में होता है। और पैरेलल लगाने से घर में ये भी फायदा होता है कि सभी सभी यानी जितने अप्लायंसेज होते हैं सभी को सेम वोल्टेज मिल जाता है, आपने ओम्स लॉ में मैंने बताया था, और इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आप देखा होगा, सर्किट में जब हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं पैरेलल लगाते हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर पैरेलल में डिवाइसेस लगे होंगे तो सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा, ध्यान रखिए, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, अगर दो डिवाइसेस सीरीज में लगे हैं तो इन दोनों को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में काम करना पड़ेगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डायग्रामेटिक क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तो आपने कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह, अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बताइए, ये दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, ये दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कीजिए, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कीजिए ए और बी के बीच, ये ए है ये बी है, ये फॉर एग्जांपल 5 ओम, ये भी 5 ओम है ना, सब 5 5 ले लेते हैं, ये भी 5 ओम, बताइए आर इक्विवेलेंट इस सर्किट में क्या कितना आएगा, दो क्वेश्चन दे रहे, तो इसको आप कैलकुलेट करो जल्दी से, जब तक मैं क्वेश्चन इधर लिखता हूँ। ठीक है, टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज पैरेलल आपको फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो बैक करके एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा फिर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बार सर्किट बना रहा हूँ मैं, इस बार सर्किट कुछ इस तरह से होगा, सर्किट कुछ इस तरह से चेंज करूंगा मैं इस बार। ठीक है, बताइए यहाँ पर ये ए है ये बी है और सारे 2 2 ओम के, सारे 2 ओम के, इसमें बताइए आर इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करते हैं, इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखो साफ साफ दिख रहा है, पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए आपको चेक करो कि कौन सीरीज में, पहले सीरीज वालों को पकड़ो, तो देखा ये दो सीरीज में आपस में, क्योंकि सीरीज कैसे पकड़ेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक करंट गया आई, ठीक है, करंट जैसे आएगा तो इस पॉइंट पे आके बटेगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर आ जाएगा, जो मान लो इधर जो करंट गया वो आई वन गया, क्या बोलेगा आई वन, तो ये आई वन करंट क्या इसमें और इसमें सेम जाएगा, बिल्कुल एक ही रास्ता है ना, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, मतलब इन दोनों में सेम करंट की वैल्यू जाएगी, तो दोनों हो गया सीरीज में, जब करंट दो रेसिस्टर में सेम जाए तो समझ लेना दोनों सीरीज में है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो डायरेक्ट लगा लेंगे आर वन प्लस, इसका नाम रख दो आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री, तो आर वन प्लस आर टू करेंगे तो डायरेक्ट आएगा हमारे पास 5 प्लस 5, यानी 5 प्लस 5 कितना आएगा 10 ओम, यानी इन दोनों का मिला के कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक है, अब ये 10 ओम पूरा और ये 5 ओम के बीच क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, यानी आर वन टू एंड आर थ्री के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। चलिए तो 1 अपॉन आर वन कितना है 5 है एक तो पहला, एक तो ये 5 और ये वाला कितना है 10 है, तो प्लस में 1 अपॉन 10 करेंगे, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 5 10 के एलसीएम 10 आएगा, ये 2 प्लस 1 3 बाई 10, यानी 10 बाई 3 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ आर इक्विवेलेंट आ गया फाइनल 10 बाई, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, ऊपर जाएगा तो ये भी पर
ये आ गया 10/3 ओम, यानी 3.3। ठीक है, ये आर टोटल की वैल्यू मिल गई इसमें। अब अगर इसमें बात करें तो देखो सेम चीज है, करंट गया आई, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आई जा रहा, बताना कौन सा सीरीज में, फॉर एग्जांपल दिस इज R1, ये R2, ये R3 और ये R4, बताना कौन कौन सा जो रेसिस्टर है वो सीरीज में है। ऑब्वियसली जो आप देखोगे कि आई यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे आके बटेगी आई, मान लो यहाँ I2 गया और यहाँ पे I1 गया, तो I1 इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, मतलब जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जब करंट सेम है तो दोनों सीरीज में, अब दोनों सीरीज में तो R1 R2 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें, देखो ना एक ही रास्ता ना ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ से करंट निकलेगी फाइनली। तो कहने का मतलब है कि 2 ओम और 2 ओम ये दोनों सीरीज और ये भी दोनों सीरीज में आपस में, तो दोनों सीरीज में कर दो, तो R1 प्लस R2 करो, R1 प्लस R2 करेंगे 2 + 2 आएगा 4 ओम। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे भी करो, नीचे R3 प्लस R4 करो, R3 प्लस R4 करेंगे 2 + 2 आ जाएगा 4 ओम। लेकिन अब ऊपर का 4 ओम और नीचे का 4 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में है, बिकॉज दोनों देखो ना ऊपर, ये ऊपर वाला करंट और ये नीचे वाला करंट, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया। यानी कि अब R टोटल निकालने के लिए दोनों को 1/4 + 1/4, तो 4 4 आएगा 4 LCM, 1 + 1 आ जाएगा, ये 2/4, 1/R इक्वल यहाँ पर है, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/4 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, ये निकट के आ जाएगा 2 ओम फाइनल। तो इस तरह से इसमें जो आया वो R इक्विवेलेंट आया 2 ओम फाइनली। आई होप आपने सर्किट देख करके या डायग्राम को देख करके इस तरह से आप टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं, एक मैं आपको देके छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कीजिएगा। सर्किट कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ, इस सर्किट का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर करेंगे। सर्किट कुछ ऐसा है, ये आपका सेकेंड रेसिस्टर, ये आपका थर्ड रेसिस्टर, ठीक है, ये आपका थर्ड रेसिस्टर, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, और एक रेसिस्टर ऐसा लगाओ, ठीक है, इसका आंसर ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम। टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि टोटल वैल्यू रेसिस्टेंस की कितनी होगी। तो ये थी रेसिस्टेंस की पूरी कहानी, अगर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, आप किसी का अच्छा चाहेंगे तो आपके अब आपका भी अच्छा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अगर आपका एग्जाम चल रहा हो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।